तो यहाँ पर देखिए मैम, स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक आपको पता है ना, जैसे हम कोई शेप बनाते हैं तो शेप के अंदर वाले हिस्से को तो हम फिल कह रहे होते हैं, और जो बाहर हम उस पर दे रहे होते हैं ये उसको कहलाता है स्ट्रोक। सही। अब ये जो स्ट्रोक है ये डिफरेंट तरीके का है, और आप इसको डिफरेंट स्टाइल से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको हम, यहाँ से हम इसको ये इस पे भी स्ट्रोक लगा हुआ है, और एक हम इस लाइन पे भी स्ट्रोक लगा देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोक के लिए हमारे पास एक पैनल है जिसका नाम है स्ट्रोक। जैसे स्ट्रोक पे हम आएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर से हमने उसको जो है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ स्ट्रोक के जो डिफरेंट ऑप्शन दिखा रहा है ये, तो ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें कैप कैप कैसा होना चाहिए, तो अभी देखें इसका कैप, और फिर हम इस पर क्लिक करके इसका जो चेंज करते हैं यहाँ से, तो ये देखें ये गोल हो गया दोनों साइड से। सही, ये स्ट्रोक देखें आप, इसका दोनों साइड से गोल हो गया। और इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रोक का एंकर है, एंकर के साथ आ रहा है, और अगर हम ये लेंगे तो एंकर से आगे निकल जाएगा, एंकर के इक्वल, एंकर से आगे, और ये गोल कर देगा दोनों साइड्स को। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, अब कॉर्नर वाला जो है वो इस पर अप्लाई नहीं हुआ, कॉर्नर वाला इस पर अप्लाई हुआ। जैसे ये हमारा एक शेप है, इसके कॉर्नर है, तो कॉर्नर के बाद इसको राउंडेड कर दें और ज़्यादा इसके शेम्फर कर दें तो ये कट्स आ गए और थोड़े गोल हो जाएं और फिर शार्प हो जाएं। राउंडेड, शेम्फर और ये शार्प, तो इस तरह से ये हम इस पर कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे ये एक फ्रेम है फॉर एग्जांपल, इसको हम करते हैं डैश पे कन्वर्ट, तो ये देखें डैश बन जाएंगे। सही है, तो डैश के साथ आप इसके अंदर दो तरह के डैश हैं, इस तरह के डैश यूज़ कर लें या फिर इस तरह के डैश यूज़ कर लें। ये कॉर्नर से थोड़ा निकलते हुए होंगे, ये कॉर्नर के साथ बिल्कुल कॉर्नर पे चार चार स्क्वायर इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या, डैश गैप, डैश गैप, डैश गैप, इतने डैश इतने गैप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 12 पॉइंट का एक डैश बनाया है, आप इसको बना रहे हैं 6 पॉइंट का एक डैश बना रहे हैं, और छोटे हो गए, 24 पॉइंट का डैश बनाएंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे। अब गैप कितना दे रहे हैं, 12 का दे रहे हैं, फिर उसके अंदर कितने का दोबारा डैश बना रहे हैं, 12 का बना रहे हैं, तो ये देखें इस तरह से हो गया। फिर गैप कितने का दे रहे हैं, सपोज 6 का दे रहे हैं, और फिर कितने का बना रहे हैं, 6 का डैश बना रहे हैं, और फिर गैप कितने का दे रहे हैं, 3 का दे रहे हैं। तो इसे डिफरेंट किस्म के डैश गैप दे के भी आप ऐसा गर्म किस्म का कोई इसके ऊपर स्ट्रोक बना सकते हैं गैप दे के। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, इस पे भी यही काम हम कर सकते हैं, यानी कि डैश गैप इस पे भी काम कर सकते हैं, इस पे भी डैश और गैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से हम इसको पीछे कर लेते हैं, ठीक है, इसको खाली कर देते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसके जो दोनों साइड्स हैं यानी कि एरो हेड, ये इस तरह का एरो भी लगा सकते हैं इसके एक साइड पर, सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो देखें इसके इस साइड पर हम ये एरो भी लगा सकते हैं वन साइड पर, और दूसरी साइड पे हम कोई और मुख्तलिफ किस्म के एरोस, कीज, हाथ वगैरह जो भी बनाना चाहें ये लगा सकते हैं, ये देखें इस तरह का। फिर इसके स्केल को यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं, देखिए मैं इसको एक साइड के स्केल को कम कर रहा हूँ, तो मैं इसको 15 का स्केल पर रख लेता हूँ 15 के, तो ये देखें इस तरह का छोटा सा एरो बन गया। और अगर मैं इसको बढ़ा के 30 के स्केल पर रखता हूँ तो ये देखें थोड़ा बड़ा एरो बन गया। इस तरह पीछे वाली साइड के जो टेल है, ये इसका हेड था, इसकी टेल है, टेल को भी अगर मैं 25 पर रख लेता हूँ तो ये देखें टेल इसकी इससे छोटी बन जाएगी, और इसको जितना चाहे हम बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अलाइन इसको लेफ्ट टू राइट भी कर सकता हूँ, राइट टू लेफ्ट भी कर सकता हूँ, यानी कि एक्सटेंडेड भी कर सकता हूँ, एंकर से आगे नजर आए या एंकर के पीछे नजर आए। प्रोफाइल में जाके फिर यहाँ पे और भी किस्म के स्टाइल्स हैं, जैसे कि अगर मैं इसको इसमें ऐसे स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहूँ, और फिर इसके प्रोफाइल को कुछ इस तरह का ऐसा प्रोफाइल देना चाहूँ, और फिर मैं इसको कुछ इस तरह का प्रोफाइल देना चाहूँ, तो ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ से ईजिली इसके साथ कर सकता हूँ। ठीक है ना, और नहीं तो यूनिफॉर्म रखूंगा तो दोनों साइड से प्रोफाइल एक जैसा रहेगा। इसके बाद अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा, तो अभी मैं लॉक करने का दो जो बढ़ाऊंगा इसको, तो दोनों साइड से इक्वल इक्वल बढ़ेगा, वहाँ से भी इक्वल बढ़ेगा और यहाँ से भी इक्वल इक्वल बढ़ेगा। और फिर यहाँ से अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ, ये वाली साइड यहाँ पे नजर आए और वो वाली साइड यहाँ पे नजर आए इंटरचेंज, तो यहाँ से भी इसके साथ ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये था सारा आपका स्ट्रोक से रिलेटेड, कि हम किसी भी शेप पे स्ट्रोक लगा के उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और अच्छे से डिजाइन वगैरह भी उससे बना सकते हैं, क्लिक करके डैश के हिसाब से भी बना सकते हैं, छोटे बड़े डैश, डॉटेड डैश इस तरह से भी बना सकते हैं, और प्रोफाइल भी अप्लाई इसके ऊपर किया जा सकता है। सही।